एवरी वन इज स्पेशल इन हिज और हर ओन वे सभी व्यक्ति अपने तरह से विशेष होते हैं हाउ कैन यू हेल्प ए डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड एक भिन्न क्षमता वाले बच्चे की सहायता आप कैसे कर सकते हो रीड टू नो हाउ द एनिमल्स हेल्प ईच अदर किस तरह से जानवरों ने एक दूसरे की सहायता की यह जानने के लिए आइए पढ़ते हैं एक कहानी गोलू गोज़ टू स्कूल गोलू चला विद्यालय लॉन्ग टाइम एगो अ लॉट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुली इन सारंडा काफ़ी समय पहले बहुत सारे चिड़िया और जानवर सारंडा में शांतिपूर्वक रहते थे द यंग एनिमल्स स्पेंड द होल डे इन प्लेइंग एंड डूइंग मिसचिप्स जानवरों के बच्चे पूरा दिन खेलने और शैतानी में बिताते थे देअर फोर द ओल्डर एनिमल्स डिसाइडेड टू ओपन अ स्कूल इन द फॉरेस्ट इसलिए बड़े जानवरों ने यह निर्णय लिया कि जंगल में एक स्कूल खोला जाए द किंग ऑफ द जंगल द लायन कॉल्ड ए मीटिंग जंगल के राजा शेर ने एक मीटिंग बुलाई ऑल द एनिमल्स लाइक बियर्स एलिफेंट्स डियर जिराफ्स जेबरास काउस एंड ऑल बर्ड्स अटेंडेड द मीटिंग सभी जानवर जैसे भालू हाथी हिरन जिराफ जेबरा गाय और सभी चिड़िया मीटिंग में आए इट वॉज एग्रीड दैट द टाइगर वुड बी द प्रिंसिपल यह तय हुआ कि बाघ प्रिंसिपल होगा द काउ एंड द आउल वे आर अपॉइंटेड एज द टीचर्स बिकॉज बोथ हैव लॉट ऑफ पेशेंस एंड वेयर वाइज गाय और उल्लू को शिक्षक बनाया गया क्योंकि वे दोनों बहुत धैर्य वाले और बुद्धिमान थे स्कूल वॉज बिल्ट इन द ओपन स्पेस द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के बीच खुले स्थान पर विद्यालय बनाया गया द एलिफेंट brought लॉग्स ऑफ वुड टू बिल्ड द स्कूल विद्यालय बनाने के लिए हाथी ने लकड़ी के लट्ठे लाए द squirrel एंड द माउस shaped द वुड गिलहरी और चूहे ने लकड़ी को आकार दिया द मंकीज एंड द बर्ड्स थैच द रूफ बंदर और चिड़ियों ने घास फूस से छत बनाया दस द स्कूल वॉज रेडी इन अ फ्यू डेज इस प्रकार कुछ दिनों में विद्यालय तैयार हो गया when the school started the young animals carried their bags lunch boxes and water bottles with them to school जब विद्यालय शुरू हुआ जानवरों के बच्चे अपने साथ बैग लंच बॉक्स और पानी की बोतलें लेकर विद्यालय गए दे डिड नाट नो द रूल्स ऑफ द स्कूल वे विद्यालय के नियमों को नहीं जानते थे द टीचर्स फर्स्ट मेट देम स्टैंड इन अ लाइन फॉर द असेंबली शिक्षक ने सबसे पहले उन्हें असेंबली के लिए लाइन में लगाया द यंग एनिमल्स मेड अ लॉट ऑफ नॉइस इन द क्लास जानवरों के बच्चे आ, क्लास में काफ़ी हल्ला कर रहे थे द बेबी मंकी हंग अपसाइड डाउन जम्प्ड अबाउट हेयर एंड देयर एंड डिस्टर्ब एवरी वन बंदर के बच्चे ने उलट उल्टा लटक कर इधर उधर उछल कर सभी को तंग किया The baby squirrel sat and ate nuts. गिलहरी का बच्चा बैठकर बादाम खाने लगा. The calf continued chewing. गाय का बच्चा लगातार चबाते रहा. The baby elephant too pulled his classmate's tails and the baby rabbit hopped around. The owllet

और खरगोश का बच्चा इधर उधर उछलता रहा उल्लू का बच्चा अपनी आदत के अनुसार सोता रहा कोयल का बच्चा अपनी कक्षा में गाता रहा हल्ला सुनकर शिक्षकों ने कक्षा को दो सेक्शन में बांट दिया उन्होंने उनको अच्छी आदतें और चारों ओर की दुनिया के बारे में बताया The young animals learned about the importance of peace, harmony, and many more things. After the school was over, they used to play as usual and talked about the things they learned in the school. Golu, the bear cub, had a damaged leg. He sat on a bench and watched his friends. play and have fun one day while playing football golu's friends found golu sobbing they asked him why he was sad janwaron ke bachon ne shanti sahishnuta aur अन्य दूसरी बातें सीखी विद्यालय की समाप्ति के बाद हमेशा की तरह वे खेलते और विद्यालय में जो सीखा उसके बारे में बातें करते भालू के बच्चे गोलू का पैर क्षतिग्रस्त था वह एक बेंच पर बैठकर अपने दोस्तों को खेलते हुए और मस्ती करते हुए देखता था एक दिन फुटबॉल खेलते हुए गोलू के दोस्तों ने पाया कि गोलू सिसक रहा था उन्होंने पूछा वह क्यों उदास है गोलू सेड दैट ही टू वॉन्टेड टू गो टू स्कूल हैव फन एंड लर्न न्यू थिंग्स ऑल हिज फ्रेंड्स बिकेम सैड एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हाउ टू ब्रिंग गोलू टू स्कूल दे थॉट ऑफ मेनी आइडियाज दे वॉन्टेड भोला द बेबी एलिफेंट टू कैरी गोलू ऑन हिस्स बैक बट गोलू कुड नॉट क्लाइंब दे थॉट ऑफ कैरिंग गोलू ऑन ए स्ट्रेचर गोलू ने कहा कि वह भी विद्यालय जाना चाहता है मस्ती करना चाहता है और नई नई चीजें सीखना चाहता है सभी दोस्त उदास हो गए और विचार करने लगे कि गोलू को कैसे विद्यालय लाया जाए उन्होंने कई विचारों के बारे में सोचा उन्होंने चाहा कि हाथी का बच्चा भोला गोलू को अपने पीठ पर लेकर आए लेकिन गोलू उसकी पीठ पर नहीं चढ़ सका उन्होंने विचार किया कि गोलू को स्ट्रेचर पर लाया जाए बट गोलू डिड नॉट लाइक द आइडिया ही वॉन्टेड टू गो टू स्कूल ऑन हिज ओन सडनली Hooter, the baby owl, had an idea. He told that they could make a crutch for Golu, so that he could go to school. All the friends agreed. Bhola, the baby elephant, brought two strong sticks. Gillu, the baby squirrel, brought cotton. Miki, the baby mouse. ब्रॉड सम क्लॉथ द पैडेड द स्टिक ऑन द अपर पार्ट नेक्स्ट डे ऑल द फ्रेंड्स रिस्ट गोलूस हाउस एंड गिफ्टेड हिम द क्रच लेकिन गोलू को यह विचार पसंद नहीं आया वह स्वयं से विद्यालय आना चाहता था उल्लू के बच्चे हुटर के पास एक उपाय था उसने कहा कि वे लोग गोलू के लिए एक बैसाखी बना सकते हैं जिससे कि वह विद्यालय जा सके सभी दोस्त सहमत हो गए भालू के बच्चे भोला ने दो मज़बूत छड़ी लाई गिलहरी के बच्चे गिल्लू ने रुई लाया चूहे के बच्चे मिकी ने कपड़ा लाया छड़ी के ऊपरी भाग को उन्होंने गद्देदार बनाया अगले दिन सभी दोस्त गोलू के घर पहुंचे और उसे बैसाखी उपहार में दिया गोलू वॉज वेरी एक्साइटेड टू यूज द क्रच ही लॉस्ट हिज बैलेंस इन द बिगनिंग बट हिज फ्रेंड्स हेल्प हिम टू वॉक द स्कूल बिल रैंग बट एवरी वन वॉक स्लोली विथ गोलू दे रीस्ट द स्कूल लेट their teacher asked the reason but was very happy to know the incident and see the new student gradually golu went to school daily on his own he never remained sad again he thanked all his friends for gifting him the crutch golu बैसाखी का प्रयोग करने के लिए उत्साहित था शुरू में उसका संतुलन बिगड़ गया लेकिन उसके दोस्तों ने उसे चलने में मदद की विद्यालय की घंटी बजी किंतु सभी गोलू के साथ धीरे धीरे चले वे विद्यालय देर से पहुँचे उनके शिक्षक ने कारण पूछा लेकिन वे उस घटना को जानकर और नए विद्यार्थी को देखकर काफ़ी खुश हुए धीरे धीरे गोलू स्वयं से विद्यालय जाने लगा वह अब कभी उदास नहीं रहता था उसने अपने दोस्त अपने सभी दोस्तों को उसे बैसाखी उपहार देने के लिए धन्यवाद दिया